हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल्स टैग और समरी टैग के बारे में जानेंगे। देखिए, डिटेल्स टैग का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपको वेबसाइट में चाहते हैं कि कोई भी चीज़ के बारे में आप लिखते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद उसका डिटेल्स शो हो, तो उसके लिए हम लोग डिटेल्स टैग का उपयोग करते हैं। देखिए, डिटेल्स टैग का प्रयोग के अंदर डिटेल्स टैग जैसे ही यूज करेंगे उसके अंदर समरी टैग का उपयोग करेंगे। समरी टैग में वो चीज़ लिखेंगे जो हेडिंग दिखाए, जिस चीज़ के बारे में हम लिख रहे हैं डिटेल टैग्स में। जब मान लीजिए कि डिटेल टैग्स के अंदर हमने HTML लिख दिया, HTML लिख दिया तो वो आपको HTML शो होगा और उस पर जैसे ही क्लिक होगा तो उसका डिटेल यूजर को दिखाया जाएगा। ठीक है, बस यही काम है। अब देखिए, डिटेल टैग के मदद से आप इंटरएक्टिव विडजेट्स भी बना सकते हैं और ये आपको जावा स्क्रिप्ट वगैरह और भी लैंग्वेज उपयोग करके बनाया जा सकता है। इसका देखिए, डिटेल्स का एट्रीब्यूट एक ओपन है, तो चलिए एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिटेल्स टैग, इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब देखिए, डिटेल टैग्स के अंदर इसको क्लोज करने के बाद अब समरी टैग का उपयोग करते हैं। समरी टैग, समरी, और जो समरी टैग के अंदर जो होता है वही आपको फर्स्ट शो करेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए HTML शो करने लगा। अभी देखिए कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ भी तक लिखा नहीं है। पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ HTML stands for hypertext markup लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इसके डिटेल आ गया। देखिए बंद हो गया, फिर डिटेल आ गया। अब देखिए ऐसा है, पर हम चाह रहे हैं कि हमको ये क्लिक करने के बाद ही ओपन हो रहा है, पर पहले से ही ओपन हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिटेल्स के अंदर इसका एट्रीब्यूट है ओपन और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद रिफ्रेश करूँगा, देखिए पहले से ही है ओपन आ गया। बस इस टेक का यही काम। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।